हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं। एक्चुअली हम इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने गूगल फॉर्म से करवाया था, मुझे रिजल्ट अपलोड करना था आज के दिन 24 घंटे के बाद, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? इसका एक रीजन है। ठीक है, पहली बात तो अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा बच्चों को रिस्पॉन्स आए। अभी करीब हमारे पास 200 के आसपास बच्चों का ही रिस्पॉन्स आया है। तो आप लोग जिन्होंने नहीं फॉर्म फिल किया है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करें, क्योंकि आप लोग 200 से बड़ी संख्या में है। ठीक है, तो आप लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। इससे देखिए आपको ही फायदा है। आप लोग को लग रहा है कि नहीं होगा, होगा, हो सकता है कि चांसेस बन जाए और आप लोग का हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने देखा कि इस फॉर्म में जब मैंने सभी बच्चों के रिस्पॉन्स देखे, तो इसमें बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास साइंस के अलावा कोई सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट है, उन्होंने फॉर्म में फॉर्म फिल किया ही नहीं है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। इस वजह से क्योंकि उन्हें लगा कि TWD में हमारे लिए वैकेंसी है ही नहीं, तो हम फॉर्म फिल कर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आपका वेटिंग तो क्लियर हो सकता है ना, अगर आपके ऊपर ऊपर मार्क्स हैं और सीट्स अगर GPI की नहीं भरती है, तो आपका वेटिंग क्लियर होने का तो चांसेस है। तो एटलीस्ट अपनी वेटिंग देखने के लिए आप फॉर्म फिल करें। मैं आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स का दिखाती हूँ। आप इस पेज पर देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप इधर देखिए ना, सब्जेक्ट ग्रुप लिखा हुआ है साइंस साइंस साइंस, सभी ने, जितने मोस्टली साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिल किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 बच्चे ऐसे होंगे जो कि नॉन साइंस के हैं और अदर के हैं, जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ग्रुप में सबके नीचे साइंस लिखा हुआ है। तो एक्चुअली मैंने ये फॉर्म फिल करवाया था आप लोगों से ताकि मैं वेटिंग निकाल सकूं, आप लोगों को सटीक वेटिंग दे सकूं। तो साइंस वाले कैंडिडेट्स को तो चलो उनकी वेटिंग पता चल जाएगी, लेकिन आप खुद बताइए उनके ऊपर, क्या मैं ये मान लूं कि उनके बीच में किसी का भी रोल नंबर आ रहा है, तो सारे के सारे नॉन साइंस के कैंडिडेट्स हैं। तो आप लोग जितने भी हमारी वीडियोस पर डेली विजिटर्स हैं और जिनके पास चाहे अदर सब्जेक्ट है चाहे साइंस सब्जेक्ट है, आप सभी इस फॉर्म को फिल करें। देखिए, इससे एक तो आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपको अपनी खुद की वेटिंग पता चल जाएगी। दूसरा, दूसरों के भी हेल्प मिल जाएगी, जिनके पास साइंस है उनको उनकी वेटिंग जो है एक्यूरेटली पता चल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लिंक अभी भी नहीं मिल पा रहा है, वो कमेंट में लिख रहे हैं कि मैम हमें लिंक नहीं मिल रहा है। तो आप जैसे ही हमारे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है गूगल फॉर्म लिंक, हेडिंग डाली हुई है और उसके सामने लिंक जो है वो है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे गूगल फॉर्म पर। ठीक है, तो सबसे पहले ही हमने हेडिंग में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि गूगल फॉर्म लिंक, और वहां पर लिंक है। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनको लिंक नहीं मिला, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो अदर सब्जेक्ट के हैं फ्रेंड्स, आप सभी भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको वेटिंग तो पता चलेगा। सिर्फ 10 से 12 ऐसे बच्चे हैं, सोचिए 200 बच्चों में से 10 से ऐसे 12 बच्चे हैं जिन्होंने अदर के लिए फॉर्म फिल किया है। तो ऐसे हमें नहीं मिल पाएगा ना, इतनी सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, गेस्ट है, नॉन गेस्ट है, उसमें भी फिर आपकी कैटेगरीज डिवाइडेड है, EWS, जनरल, OBC एक्सेट्रा। तो देखिए एक सटीक डाटा बन रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। देखिए काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है इससे, क्योंकि आपको बिल्कुल सही तरीके से पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे की कौन सी कैटेगरी है, जेंडर क्या है। तो आपका इससे बहुत अच्छे से, मतलब ये पूरी तरीके से वो डाटा है जो कि होना चाहिए किसी को लिस्ट निकालने के लिए। तो हमें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है इसके ऊपर, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, वो कैंडिडेट भी शामिल हो जिनके पास साइंस के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तभी हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज हम जब बनाने बैठेंगे तो साइंस को तो हम मर्ज कर देंगे, लेकिन जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया होगा फिर हमें उनको नॉन साइंस ही घोषित करके उनका वेटिंग निकालना पड़ेगा। तो हम ये कंसिडर कर लेंगे कि जिन्होंने नहीं फिल किया वो सारे नॉन साइंस के हैं। ठीक है, कैसे पता नहीं चलेगा। तो आप अपने लिए भी फॉर्म फिल करें ताकि आपको अपनी वेटिंग पता चले, और जितने भी साइंस के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि देखिए वीडियो पर करीब 2000 के आसपास व्यूअर्स पहुंच चुके थे, लेकिन फॉर्म सिर्फ इतने लोगों ने ही फिल किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के पास साइंस नहीं है या वो TWD से रिलेटेड नहीं है, वो जाहिर सी बात है, वो सब TWD का ही वेट कर रहे हैं, इसीलिए उस वीडियो पर पहुंचे, क्योंकि थंबनेल पर यही डाला हुआ है। तो ठीक है, आपको कोई बहुत बड़े कष्ट नहीं करना, सीधे लिंक पर क्लिक कर आपको फॉर्म फिल करना और सबमिट करना, आपको कुछ नहीं लग रहा उसमें, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ, मैं सुबह इसकी वीडियो अपलोड करूंगी, देखती हूँ कि अब से लेकर सुबह तक अगर थोड़ा सा और रिस्पांस आ जाता है इसके ऊपर, तो हमारे पास थोड़े ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगी वेटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर फिल करें। ओके, और अगर आपको हमारा एफर्ट सराहनीय लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।